हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। वो बेवकूफ लड़की, उसकी वजह से सारा खेल खराब हो गया। और उस दिन वो भी वापस आ गया। I'm sure ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा सार्थक। आप चिंता मत कीजिए छोटू माँ। ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज और तो और ये बैंक बैलेंस, ये आप ही के तो हैं। आप मालकिन हैं यहाँ के। और ये जो कुछ भिखारी आपके इस आलिशान घर में रह रहे हैं ना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इन्हें संभाल के अपनी अलमीरा में रखिए। और एक बात का ध्यान रहे, ये पेपर्स किसी भी हालत में इन लोगों के हाथ नहीं लगने चाहिए। सार्थक, एक तुम ही तो जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। ठीक है, मैं भी ड्रॉ में रख देती हूँ। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, कीप मी अपडेटेड। छोटो माँ, एक और खुशखबरी सुनी। वो जो पिन आपने साइनाइड में भिगो के नीति को चुभाई थी ना, वो काम आ गई है। तू विदिशा घोष, तेरे कान से मैं सब झंझट में फंसी हूँ। विदिशा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। याद रखना, मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी तेरा नाम और तूने क्या क्या किया और करवाया। नीति कोमा में चली गई। अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकती। थैंक गॉड, ये तो खुशखबरी है। वो तो अच्छा है कि वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी। अगर उसका मुंह खुल जाता तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब क्यों चिंता करते?